बजरंग बाण का पाठ करने से क्या होता है कि घर में यदि कोई छुपे हुए दबे हुए कोई भी पितृगण हो या प्रेतगण हो या कोई भी हो तो वो धीरे धीरे उखड़ के बाहर आने लगते हैं। और यदि आपके पितृगण हैं तो उनको जो है वो हनुमान जी कृपा से वो दर्शन देना शुरू कर देंगे कि भाई हम आपके परिवार के सदस्य ही कौन है क्या है सब। रात को सोते समय प्रार्थना करो, अपने इष्ट से प्रार्थना करो या सीधा आप उन पितरगणों से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हमारे ज्ञात अज्ञात पितर हो, जो भी दुर्गति को प्राप्त हुए हो, तो वो हमें दर्शन दे, सपने के माध्यम से अपने बारे में संकेत करे या हमें उनके बारे में जानकारी हो। जो भी कोई अज्ञात पितर हमारा जो हमें घर में परिवार में कष्टकारक कष्टप्रद पहुंचा रहा हो या कोई बाधक बन रहा हो तो हमें संपर्क करे, हमारे संपर्क में हमें अपने बारे में बताए। इस प्रकार का आप जो है अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसे हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं, सीधे पितृगणों से प्रार्थना कर सकते हैं। सोते समय आपको ये प्रयोग करना है बार बार, 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और अनुष्ठान काल में विशेष रूप से ऐसे प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि उस काल में आपका जो सूक्ष्म शरीर रहता है वो विशेष रूप से एक्टिव रहता है, वो विशेष रूप से सक्रिय रहता है। तो उस समय आप जब संकल्प करेंगे तो उसका प्रभाव होता है, तो उसका सरल माध्यम है। और ये विशेषकर प्रयोग उनको करना चाहिए जो रक्षा कवच सिद्ध किए हुए हो, जो बजरंग बाण पढ़ते हो, जो साधक है उनको करना चाहिए। दूसरे ऐसे करेंगे तो फिर उनको समस्या आ सकती है। अभी मुझे अधिकांश क्या होता है कि जो ये जिस प्रकार के जो दरबार होते हैं, ऐसे स्थान होते हैं, यहाँ पर कई प्रकार के प्रेतों का वास होता है। और जब हम वहां पर आप इलाज करने जाते हैं, वहां पर अपने सोचते हैं कि वहां पर हम ठीक हो जाएंगे, तो कभी कभी उल्टा हो जाता है। जो वहां पर जो भी प्रेत घूम रहे हो वो पीछे पड़ जाते हैं। तो उसने ये कहा कि हमें अपने घर में स्थान दो। तो जो घर में स्थान मांग रहा है तो वो आपका पुत्र या पितृगण आपका नहीं हो सकता, ये निश्चित समझ लेना, ये निश्चित समझ लेना चाहिए कि वो कोई छल है, कोई प्रेती तत्व है, जो दुष्ट तत्व है। क्योंकि जो आपके घर में जो पितृगण होगा वो तो आपकी अपनी सदगति चाहेगा, मुक्ति चाहेगा, वो घर में क्यों बैठना चाहेगा। और ये इस प्रकार के जो राजस्थान आदि क्षेत्रों में ज्यादातर हो रहा है ये प्रचलन। हाँ,